एक विजुअल बनाने 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 सब लोग बनाओ। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे याद किया, हमारा सम्मान किया, और आज जो लोग को अवार्ड मिला है वो बोल सकता हूं कि सारे लोग रियल हीरोज थे, अलग अलग एरियाज के अंदर जो सालों से अपने देश की, अपने देशवासियों की सेवा कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, उन लोगों के साथ स्टेज शेयर करके, और उन लोगों के साथ जो अवार्ड का सम्मान मिला उसे बहुत खुश हूँ आज मैं। अड़दिया फाउंडेशन की बात करें तो किस प्रकार की संस्था है, लोगों के लिए क्या कुछ हो रहा है अड़दिया फाउंडेशन के साथ मिलकर? अड़तिया रिजवान अड़तिया फाउंडेशन बहुत सारे एरियाज में काम कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर और इंडिया के अंदर। बट आज जो अवार्ड दिया गया है स्पेशली बोल सकता हूँ कि वो एजुकेशन को लेके दिया हो गया है कि जो बहुत सालों से हम लोग बच्चों के लिए जो काम करें, उन लोगों का भविष्य का अच्छे भविष्य के लिए, और जो एजुकेशन में हम लोग फोकस से काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज का ये अवार्ड मुझे मिला है। आगे के क्या प्लान है और रिजवान अड़तिया फाउंडेशन के? अभी हाल में ही 100 गांव वोट देने की बीड़ा आपने उठाई थी, उस पे कहां तक आपका प्रोजेक्ट पहुंच चुका है? हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आगे बढ़ ही रहे हैं और सब लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं सबका शुक्रिया अदा भी करूंगा जो लोग हमारे साथ तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। तो काम तो हमारा आगे बढ़ रहा है, फाउंडेशन भी आगे बढ़ रहा है। अभी नया प्रोजेक्ट हमने दिल्ली में साइन किया फेब्रुआरी के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको खुशी से बता सकता हूं कि मुझे अगला अवार्ड 25 मई को कनाडा में ओंटारियो में मिलने वाला है, जहां कैनेडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और बहुत सारी डिग्निटरीज रहेंगे वहाँ। मुझे 25 मई को एक अच्छा बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलने वाला है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे प्राउड फीलिंग होती है और बहुत सारी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है जब जब सम्मान होता है। तो ऐसे रिजवान अड़तिया फाउंडेशन इज अनस्टॉपेबल फाउंडेशन है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की ब्लेसिंग से। नहीं, कार्य तो बहुत सारे हो ही रहे हैं, सब लोग काम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जो हिसाब से नीड है सब एरियाज के अंदर, इसके लिए हमारा जो फाउंडेशन है सब एरियाज के अंदर काम करता है। हेल्थ है, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, सीनियर सिटीजन है। कल ही हमारा जामनगर में एक प्रोग्राम था सीनियर सिटीजन का, पूरा दिन फंड एंड एंटरटेनमेंट का। कल रात को राजकोट में हमारा एक फंक्शन था, दिव्यांग जो डिसेबल्ड लोग बच्चे हैं उन लोगों के साथ हमारा प्रोग्राम्स था। कल ही एक दिन में दो प्रोग्राम, तो अलग अलग एरियाज के अंदर और अलग अलग लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ की अच्छी होप देने की। सर, प्रेरणा की बात करें तो कहां से आपको ये प्रेरणा मिलती है देश की सेवा करने के लिए? प्रेरणा तो देखे जावे तो बहुत पुरानी प्रेरणा जो है दिल के अंदर जमा पड़ी हुई है, वही प्रेरणा से इंस्पिरेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे हमको सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की, लीडर की तरफ से, आप लोग मीडिया की तरफ से। आज भी देखा बहुत सारे मीडियाज ने हमको सपोर्ट किया है, और दूसरा जो सपोर्ट मिल रहा है जो बिजनेस पीपल है, कॉरपोरेट लोग है, वो लोग भी हमको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग सबसे ये सपोर्ट की वजह से ही हमारा काम है वो आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि तीन साल के अंदर मुझे 3 बार पर्सनली अपॉइंटमेंट देके मेरी मीटिंग हुई है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलता हूं तो। और दूसरे भी जो लीडर्स है हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर, उन लोगों ने से भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट, मोटिवेशन एंड ब्लेसिंग्स मिलता है। तो बहुत खुशी होती है कि हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो ऊपर लेवल तक पहुंचता है, और ऊपर लेवल वाले लोग जो मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर हमारे काम की नोंद लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है। सोशल मीडिया पे जो खबरें हैं कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने भी आपको सम्मानित किया, वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। वो मोजाम्बिक का जो मिनिस्टर्स अपना प्रेसिडेंट है उनके साथ मेरी 2 बार मीटिंग हुई है, बहुत खुश हुए हमारे काम से, और उसके लास्ट मीटिंग हमारी हुई उसके बाद हमारी काम करने की बहुत क्षमता बढ़ गई है। मोजाम्बिक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, और अभी भी लास्ट हमारा 2 मिनिस्टर्स थे हमारे प्रोग्राम्स में आए थे,
और बहुत सारा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। आज अफ्रीका के अंदर भी नीड बहुत है, जितना काम करो इतना कम है, बट लोगों का सपोर्ट, कॉरपोरेट्स का सपोर्ट, दूसरे एनजीओस का सपोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट से हम लोग मिल के बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में। एक लास्ट सवाल, जो युवा बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में तीन भावना रहती है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? यस, ये हकीकत है हमारे देश में और दूसरी जगह पे, बहुत सारे नवयुवान के पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन मुझे लगता है टाइम के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली है, वो खुलेगी, और जो लोग सीरियस है, जो युवा लॉन्ग टर्म का देखता है, उन लोगों के लिए तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत है, लेकिन आजकल के युवा बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, पेशेंस नहीं है और बहुत जल्दी गलत रास्ते पे या गलत आदतों में चढ़ जाते हैं, उसके उनके लिए उनकी फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं युवा को भी आपके इतने सारे मीडिया के जरिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी जो एज है वो लाइफ का फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन को आप पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बनाओगे तो लाइफ में आप बहुत आगे जा सकते हो। बुरी आदतों से दूर रहो, हमेशा अच्छी आदतों और अच्छे कार्य और लॉन्ग टर्म का फोकस करो, तो आपके पास इतनी सारी स्ट्रेंथ है ना जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो बहुत आगे बढ़ सकते हो युवा। थैंक यू सर।